Hello everyone how are you hope you guys are doing great so today is Tuesday as you guys know that I always bring one of my live on Tuesday most and uh, this is my another live but my this live is going to be very very special because the, my today's guest is very inspirational आपको उनके साथ रुक रूक कराऊंगी पहले मैं थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे दू आई एम सो मेरा नाम रमनदीप धालीवाल है मैं कैनेडा में रह रही हूँ अपनी फैमिली के साथ और इस बिजनेस को ज्वाइन की मुझे एक, एक एक हो गया है और जैसे आप जानते हैं कि ऑल द टाइम एक लाइव लेकर आती हूँ और इस बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं आप सबको बताते हैं कि बिजनेस में के जो बेनिफिट्स क्या है कैसे आप इसका पार्ट बन सकते हो सो so, आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है आपको उनसे बहुत सारी लाइक इंस्परेशन मिलेगी क्योंकि उन, उन्होंने इस चीज को साबित किया कि कभी जब भी आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो तो इस फैक्टर का कोई भी यहाँ पर जैसे हम केवल ना के कि नहीं की हमारी हमें लाइक एक टाइम होता है हर चीज का करने पर उन्होंने इस चीज को बेबुनियाद साबित किया कि जब भी आपके पास जज्बा होना चाहिए किसी चीज को करने का तो आप अपने ड्रीम्स को आप अपने गोल को हासिल कर सकते हो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती सो so, आज हम हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ आपको मिलवाते हैं उनका नाम है जैतून सो so, वेलकम जैतून जी कैसे हो आप uh, मैं बिल्कुल ठीक हूं रमन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और आप कैसी हैं रमन हां जी बस बढ़िया ठीक ठाक थैंक यू फॉर आके आपने मेरे इनवाइट को एक्सेप्ट किया और मेरी आज आपसे रूबरू बात हो रही है मैं बड़े ता... अरसे से इस चीज की वेट कर रही थी कब आपसे बात हो क्योंकि आप इतनी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं सबके लिए आपसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है जब आप अपने मैं आपके लाइव्स को ऑलवेज देखती हूँ फॉलो करती हूँ क्योंकि अब आप कर सकते हैं तो हम जैसे लोग क्यों नहीं कर सकते राइट सो so, आप, आपने जैसे आपका जो इतना बिजी स्कै है आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में थोड़ा सा मेरे फॉलोअर्स को बताएं जी आ, मेरा नाम जैतून है और मेरे तीन बच्चे हैं मैं अमेरिका में रहती हूँ टेक्सास स्टेट में और मेरे मेरी जो है वो बेटी माशाल्लाह से फर्स्ट वन है ओल्डेस्ट वन फिर उसके बाद बेटा है एंड देन द यंगेस्ट वन Uh, लेकिन छोटा वाला भी इतना छोटा नहीं है ही इज़ अप माशाल्लाह सो एंड आई हैव थ्री ग्रैंड डॉटर्स जो कि मैं जब उनको देखती हूँ तो आई फील लाइक ओ माय गॉड आई एम सच अ ब्लेस्ड पर्सन माशाला एंड माय हस्बैंड इज सो अमेजिंग पर्सन वो भी बहुत ही अमेजिंग इंसान है और आई एम सच अ ब्लेस्ड पर्सन और uh, Uh, मैं जो है एज ए प्रोफेशन मैंने अभी मेडिकल असिस्टेंट डन किया इन ट्वेंटी जी। और uh, मैंने डिसाइड किया कि गो टू कॉलेज फुल टाइम एंड गेट अ डिग्री क्योंकि हमेशा से मुझे मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स के साथ काम करने का बड़ा शौक था जी। तो डॉक्टर बनने का टाइम तो नहीं था मेरे पास uh, क्योंकि सारी जिंदगी आप जो है अपने बच्चों में और उसमें गुजारते हैं तो फिर यू you नो know, आप सोचते हैं कि अब तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है जी। सो आफ्टर दैट एक ये मेरा प्रोफेशन है मेडिकल असिस्टेंट एंड सेकेंड इज मैं टीच करती हूँ उर्दू लैंग्वेज हाँ जी ऑन uh, वीकेंड मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टीचर हूँ तो वो जो है uh, मैं उर्दू टीच करती हूँ लैंग्वेज जो बॉर्न एंड रेज पेरेंट्स यहाँ पर जो यंग पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को तो बिल्कुल भी उर्दू का वो मिलता नहीं है न एक्सपोजर हाँ uh, नहीं मिलता तो फिर वो अपनी फैमिली के साथ बात नहीं कर सकते और फिर वो अलूफ फील करते हैं हाँ जी। तो या आई टी छोड़ दू टू ऑन वीकेंड और फिर साथ साथ मैंने ये डिजिटल बिजनेस ज्वाइन किया है तो उसमें भी मसरूफ रहती हूँ हाँ जी देखो आपके कितना बिजी स्केजूल है राइट आप टीचर हैं आप मदर हैं आप ग्रैंड मदर हैं राइट उसके साथ साथ आपने कॉलेज गए आपने अपनी डिग्री हासिल की राइट सो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने लाइक सब चीजों को जो ना डिनाई कर दिया कि आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो आपके पास जब हौसला है जज्बा है आप कर सकते हो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती राइट आपको बस आपके अंदर एक माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ मैंने अपने लिए कुछ करना है राइट उन चीजों so, को आपने बड़े अच्छे से बखूबी निभाया है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को भी निभाया राइट उसके साथ साथ फिर अपने अरे आपने अपने करियर के बारे में भी सोचा राइट बड़ा अच्छा लगता है ऐसा राइट जी उसूलन जो मेरी एज की जितनी भी लेडीज़ हैं और जो यंग भी हैं जो यंग मॉम्स भी हैं उनके लिए तो ये बेस्ट तरीका है कि देखें एक ज़माना था जब मैं यंग थी मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त टेक्नोलॉजी और ये सोशल मीडिया और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी वर्क फ्रॉम होम की वर्क फ्रॉम होम की अपॉरचुनिटीज ना होने के बराबर थी राइट right? और हाँ अगर कोई मतलब आप कहाँ करते कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कोई ऐसा प्रूव सिस्टम नहीं था हाँ जी लेकिन अभी अभी की जो जनरेशन है जिनके बच्चे छोटे हैं उनको तो कोई जरूरत नहीं है कि बच्चों को जो है वो डे केयर में डालें या किसी और के पास छोड़ दें और खुद नाइन टू फाइव जॉब करें यू नो देर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज आप ये डिजिटल बिजनेस को ही अगर आप करते हैं ना तो आपके पास टाइम फ्रीडम भी होता है आपका मनी भी जेनरेट हो रहा होता है भाई बंदा काम इसीलिए करता है ना कि अपने आप को बिजी भी रखे और साइड में एक इनकम भी जेनरेट हो ये दो रीजन ही होते हैं मेरे ख्याल में राइट mm -hmm. तो यू नो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑसम ऑसम प्लेटफॉर्म की हर चीज आपको सेट की भी मिलती है

सो जतिन जी आपने जब इस बिजनेस के बारे में सुना राइट तो, तो कैसे आपने अपना डिसीजन बनाया इस बिजनेस में आने के लिए कितना टाइम लगा आपको बिगिनिंग में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इस बिजनेस को लेकर और आपने इस प्लेटफॉर्म को ही क्यों चुना ये तो मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बल्कि वन ऑफ द आई थिंक बेस्ट स्टोरी है मेरी अब मुझे पता चला कि इतने सारे लोगों में से शायद मैं आ, ए, एक बंदा हूँ जिसने विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स और मे बी ट्वेंटी मैंने हाँ जो है, है वेबिनार से लेके तो खरीदने तक बिजनेस ओनर बनने तक का सफर इतना छोटा सा था आई जस्ट सॉ द नहीं मैं एक्चुअली ना मैंने मेडिकल असिस्टेंट की जॉब की बिकॉज हाँ पेंडेमिक uh, था और वैक्सीन हाँ नहीं आई थी उस वक्त ठीक है तो रोजाना मुझे एनजाइटी होती थी कि मैं वहां से जब घर आती हूँ तो मुझे ऐसे लगता था कि यू you नो know, किसी न किसी को पता चलता था कि वहाँ पे कोविड स्टाफ में से हो गया या समथिंग तो मैंने वो क्विट कर दी जब क्विट कर दी तो फिर जब मैं घर में बैठी तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जो कि हालात कैसे भी हों बाहर के यू you नो know, कभी कभी रिसेशन भी होता है कभी कभी आप नाइन टू फाइव कंटिन्यू जॉब कर भी नहीं सकते कभी कभी किसी का कुछ होता है कभी किसी के हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं सो आई थॉट के वाई uh, नॉट मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसको मैं uh, करती रहूं घर बैठ करना ताकि मेरे पास करने के लिए कुछ हो भी और मैं एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करू और लर्न भी करूँ सो मैंने एक एड देखा कि हाँ ये बिजनेस की अपर्चुनिटी है तो मैंने उसको कॉल किया हाँ जी मैंने उनको कॉल किया मैंने कहा व्हाट इज दिस अबाउट आई नीड टू नो तो उन्होंने कहा आपको आप अपना ईमेल एड्रेस भेजिए हम आपको वेबिनार भेजते हैं एंड देन यू नो विल गिव यू द आंसर्स आप बेसिक इंफॉर्मेशन ले लें मैंने वेबिनार देखा थोड़ा देखा नहीं देखा कॉल कर लिया मैंने जल्दी से और मैंने कहा मुझे नेक्स्ट स्टेप बताओ तो उन्होंने कहा कि आप एक्सप्लोर करें बिजनेस को वन हंड्रेड फोर्टी नाइन जो है वो थर्टी डेज के लिए रिफंडेबल है सो इफ यू थिंक यू के यू डू दैट इट्स ओके इफ यू ओकेट वॉन्ट डू दैट तो यू नो मनी बैग गारंटी है जब कोई मुझे कहता है मनी बैक गारंटी है ना जी मुझे ही समझ आ जाती है ये पैसे मेरे ही है कहीं नहीं जा रहे ठीक है ना दिस इज माई माइंड आई मेरा ख्याल है की सबको ऐसा ही होना चाहिए हाँ जी तो मैंने जल्दी से उसी टाइम पर उसी मिनट 149 पे किया और मैं उसमें एक्सप्लोर करने गई जब मैंने एक्सप्लोर किया मैंने देखा इतने सारे हर एज के लोग कर रहे हैं हाँ जी यू नो इट्स नॉट कि जिस बंदी से मेरी बात हो रही है वो झूठ बोल रही है या वो मुझे ऐसे ही प्राइवेटली कोई बात कह रही है यू नो इट्स हर बंदा रियल बंदा है और हर एज का इंसान है और वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज से है हाँ जी, तो फिर मुझे मैंने अपना देखा कि मैं चाहती क्या हूँ हाँ जी, मैं चाहती हूँ मेरे पास टाइम फ्लैक्सीबिलिटी हो मैं चाहती हूँ मेरे सर पर कोई पूछता ना रहे कि क्यों नहीं किया हाँ जी, अभी तक ये काम नहीं हुआ हाँ जी. या तुम स्लो हो या तुम्हें फास्ट होना चाहिए या तुम्हें ये नहीं आता या वो नहीं आता ये चीज इसमें नहीं है ये मैं चाहती हूँ राइट सेकंड थिंग मैं चाहती हूँ जब मैं अपना बैक होम कंट्री जाऊँ तो मुझे कोई नहीं हो मेरी हो रही more, there, ये भी मुझे मिल गया दोनों चीजें मुझे मिल गई मेरा भाई मुझे मिल गया आई गो टू वेकेशन विद माई हजब्रेनो डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स पर मैं जाती रहती हूँ बहुत ज्यादा जाती हूँ तो वो भी मुझे मिल गया कि मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा हाँ जी सो so, ट्रेनिंग भी मुझे मिल रही है मैं अकेली नहीं हूँ फिर मेंटोर और कोचेस भी मिल रहे हैं हेल्प के लिए yeah. तो मैंने सोचा मेरे सारे वाई जो हैं कि वाई आई वांट टू डू दैट एंड व्हाट आई वांट टू डू दैट एवरीथिंग इज इन देयर तो वाई शुड आई टेक सो लॉन्ग टू मेक अ डिसीजन हाँ जी सो आई टुक डिसीजन राइट अवे मेरी कोचिंग कॉल अच्छा मैंने वन फोर्टी नाइन पे किया मैंने हाँ उसके एक आध घंटे के बाद जो है कोचिंग कॉल हाँ मैंने बुक की कोचिंग हाँ कॉल के दौरान आई बॉट इट आई पेड एंड आई बॉड इट

तो वो मैं भी कर लू आप भी कर ट्रू <laughs> वही है ना फ्री में तो यहाँ पर कहते कुछ भी नहीं मिल रहा नहीं भी कहीं नहीं। भी आप पूरे वर्ल्ड में चले जाओ हाँ जी अगर आप कुछ करना चाहते हैं बिजनेस करना चाहते हैं ट्रू तो आपको उस, आपको ये सोचना है की आपको क्या करना है आपको बाहर जाके करना है या आपको किसी की शॉप पे जाके बैठना है या आपको अपनी शॉप स्टार्ट करनी है वो डू यू वॉन्ट डू तो मुझे मेरे सारे भाई मिल गए और बेसिकली मैं सबसे ये कहूंगी कि जो हमारे इंडिया पाकिस्तान थाईलैंड जहाँ भी दुनिया में कहीं भी लोग रहते हैं उनको ना वेकेशन पे भी जाना होता है उनको अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है उनको अपने बैक होम भी जाना होता है वो ऑलवेज डरे रहते हैं कि मेरी जॉब ना छूट जाए या अगर मेरा बिजनेस है तो बिजनेस पीछे से कौन रन करेगा किस पर ट्रस्ट करें हम <laughs> तो ये तो आपकी एक सेल फोन पर होता है आपका फोन आपके साथ है और आपका लैपटॉप जो कि सबके पास होता है तो मोस्टली हाँ वर्क तो सेल फोन पे ही होता है और टाइम की भी फ्लैक्सिबिलिटी होती है तो व्हेन आई गॉट माय वाई और आई वाज सेटिस्फाइड तो आई वाज नॉट जंप कर दिया एंड आई एम सो आई एम रियली रियली हैप्पी जो लोग हाँ नहीं शुरू करते अपना टाइम जाया करते हैं उनका अपना नुकसान है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रू क्योंकि इसमें आने के लिए हम सिर्फ उनको प्रोवाइड करते हैं हम किसी को पुश नहीं करते कि आओ हम no. तुम बिजनेस करो क्योंकि माइंड सेट एट दी उनका है की उनको क्या चाहिए इस बिजनेस जैसे आपने बताया कि आपको आपका वाई मिला राइट right? कि आप आप अपना वाई देख रहे थे आप देख रहे थे हाउ यू वाट डू दिस बिजनेस वो चीज आपने इस बिजनेस में देखी जब आपको उन चीजों के क्वेश्चन मिले तो यू जस्ट रेडी टू गो फॉर इट राइट क्योंकि वही चीज़ है हाँ जी। और जो हमें जो हमें हेल्प कर रहा है स्टार्ट करने में हाँ जी। आ, देखो अगरचे रमन वो एक ही बंदा होता ना सिंगल बंदा तो फिर बन, फिर शायद मैं ये सोचती कि पता नहीं ये सच कह रही हैं कि गलत कह रही हैं या मुझे हाँ या मेरे साथ पता नहीं कोई धोखा हो रहा है या पता हाँ नहीं मैं कोई गलत लोगों में चले जाऊंगी लेकिन जब आप वन फोर्टी नाइन पे करते हैं तो तब तो आप सारे ग्लोबली जितने भी लोग इसमें हैं उनमें आप चले जाते हैं ना अब जब दस... सारे ही कर रहे हैं तो फिर मतलब आप आपका ये क्वेश्चन ये फियर भी खत्म हो जाता है ना तो ये या। 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 जब आप कम्युनिटी को देखते हो राइट क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी है और लोग इस बिजनेस में हैं तब आपके आपके वो सारे फियर्स कम हो जाते हैं बिल्कुल 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 और वैसे भी कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंड बनाना होता है हाँ जी जब आपने अपना माइंड बना लिया और वाइज तरीका यह है कि आप अपने पास हैंड राइटिंग में तीन चार पॉइंट्स लिख ले कि जो हाँ जी, आप चाहते हैं करना हाँ हाँ अगर हाँ जी, वो चीजें आपको मिल रही है इसके अंदर हाँ जी। और आप कुछ लूज भी नहीं कर रहे true, yeah. और आपका माइंड बना हुआ है एक काम शुरू करने का Haan ji. Toh so, then you know go for it. Oh, That's true. क्योंकि वैसे भी हम अगर देखें हम हमारे सोशल मीडिया के ऊपर कितना हम टाइम स्पेंड करते हैं राइट बैठे oh हैं राइट विदाउट विदाउटन और अब हम हमारे पास एक गोल है कि हमने, हाँ, हमने दूसरे लोगों को देखना है कि क्या वो अपने पेजेस पर क्या yeah. कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं राइट तो इन्फॉर्मेशन exactly. भी कितनी मिलती है और साथ में हम करते हैं हमारे माइंड को हम कितना फीड करते हैं क्योंकि वही है ना जब हमारे नॉलेज का दायरा बढ़ता है कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है लोगों से हम बात करते हैं राइट बिल्कुल बिल्कुल बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं अभी जो मेरी एक बिजनेस पार्टनर है अभी नया नया उसने ज्वाइन किया है आई थिंक एंड ऑफ रमजान में या हाँ जी. आ, उसने मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक बात कही और वो बात सुन के ना मुझे ऐसा लगा मेरे बहुत सारे बॉटल खून के चढ़ गए एनर्जी हाँ <laughs> एनर्जी लेवल मेरा इतना हाई हो गया हाँ जी <laughs> उसने मुझसे कहा कि मुझे इतना सारा नहीं आता था सोशल मीडिया हाँ जी। और अब जो है वो मैं मतलब यू you नो know, इतना अच्छा फील करती हूँ यू नो द वे शी टेलिंग मी कि शी सो मच हैप्पी जी तो मैंने सोचा अभी तो उसको सिर्फ फोर वीक्स हुए हैं और वो इतनी खुश है That's तो true. मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो अभी दो दो महीने तीन तीन महीने से सोच ही रहे हैं और सवाल ही कर रहे हैं सवाल ही कर रहे हैं तो हाँ फिर ऐसे लोग जो अपना माइंड बना ही नहीं सकते वो तो फिर जहां भी जाएंगे It's किसी true, भी किसी भी जगह जाएंगे तो उनको यही होगा हाँ मैं रमन एक एक बात बहुत मुझे अभी ना माइंड में आ रही है और मेरे मुझे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको शेयर करूं हाँ आपको पता है आपको पता है ये किस तरह के माइंड होते हैं जैसे मैं जब पाकिस्तान में रहती थी ना तो हाँ जी। मैं जब शॉपिंग करने जाती थी और मैं वापिस आती थी ना तो मेरे पास काफी सारे बैग होते थे शॉपिंग की भी होती थी तो मेरे अब्बा कहते थे अल्लाह उनकी मफरत फरमाए जन्नत में जगा दे वो कहते थे कि जैतून तुम जब आती हो शॉपिंग करके तो तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट हुई भी होती है या तुमने काफी सारी नाइन्टी परसेंट काम अपना कर लिया हो हाँ yeah. जब ये लोग जाती हैं ही वॉज टॉकिंग अबाउट माई मॉम एंड माई सिस्टर हाँ जी जब ये लोग जाती हैं सुबह से शाम करके आती है और शायद वो एक चीज लेकर आती है हाँ जी. <laughs> <laughs> so yeah. I said market मौजूद है सामान मौजूद है yeah. you know आपको अपना budget पता होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या लेना है so everything yeah. is there everything is there yeah so and if you don't buy and you go to market ten times

पॉसिबल के या तो उनके पास पैसे नहीं हैं या उनकी ऐसी सिचुएशन हाँ नहीं है या वो नहीं। अब अब नहीं मतलब या घर वालों की कोई और सिचुएशन में आप फंस गए हैं यू नो देर आर मेनी थिंग्स यू डोंट नो अबाउट नेक्स्ट डे हाँ जी तो जो अच्छा टाइम होता है उसको अवेल करना चाहिए जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करना चाहिए वरना आप बहुत लेट हो जाते हैं हाँ जी Yeah. जैसे जितने से में एक मन में जैसे ऑलवेज क्वेश्चन जैसे बहुत सारी लेडीज होती, होती है इंटरेस्टेड होती हैं बिजनेस को करना भी चाहती हैं बस वही है ना जब बात आती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट है वहां जाकर वो रुक जाते हैं उनको लगता है कि शायद हमें ये मनी लगानी पड़ेगी तब जाकर हमारा बिजनेस शुरू होगा कोई ऐसा काम बताएं जो हम फ्री में कर सकें क्योंकि हमारे पास इतनी इतनी लाइक like इन्वेस्टमेंट नहीं है इस बिजनेस में लगाने के लिए या फिर वही होता है कि हस्बेंड ऑलवेज उनको कह देते हैं कि नहीं आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हम नहीं चाहते कि आप सोशल मीडिया में आए राइट सो so, उस चीज के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे तो आ, ये तो ये आपने मेरा फेवरेट टॉपिक टच कर दिया <laughs> मेरी, मेरी एक बायर है और वो कोचिंग कॉल भी कर चुकी है और सब कुछ हो गया है और पैसों पैसों यही वाला यही वाला यही वाली कहानी है मैं उनकी बात सुन के हंसती हूँ मैं आपको क्या बताऊँ कि मुफ्त में कौन सा बिजनेस शुरू होता है ऐसा करें आप मुझे बता दें तो मैं शुरू कर दूस <laughs> <Yeah. laughs> तो फिर ये सारी दुनिया पागल है कोई किसको दिल चाहता है लेकिन देखिए ना बिजनेस का मतलब ये है कि आप पैसे लगाते हैं फिर आप उससे पैसे बनाते हैं Yeah. वो आपकी ग्रोसरी स्टोर हो वैदर हाँ वो मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज हो वेदर आप घर से कपड़े बेच रहे हैं यू नो ये हमारे पाकिस्तानी इंडियन ड्रेसेस हैं जो आप कपड़े औरतें लाती हैं अपने कंट्री हाँ से या मंगवाती हैं और सेल करती हैं क्या हुँ. उनको कोई मुफ्त में देता है कि तुम सेल करो पैसे बनाओ हाँ जी. नहीं दे हैव टू इन्वेस्ट फर्स्ट राइट right. अगर आप ग्रोसरी स्टोर खोलते हो आप जो देखते हो इतने बिजनेस खुल रहे हैं आप आपके उधर भी खुलते होंगे हमारे इधर हाँ भी इवन डॉक्टर्स ऑफिस भी कोई जब जॉब कर रहा होता है डॉक्टर हॉस्पिटल में कर रहा होता है हाँ जब वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलने की सोचता है तो उसकी जितनी जमा पूंजी होती है वो प्राइवेट क्लिनिक खोलने पे पहले लगाता है। लगाते हैं फिर उसके पास पैसा आता है हाँ जी तो वर्ल्ड बिजनेस का मतलब सारे लोग समझ लें यू हैव टू इन्वेस्ट इवन आपको एक पानी की बॉटल बेचनी है ना हाँ जी तो पहले आप एक डॉलर की खरीदेंगे तो दो डॉलर के आप बेचेंगे दैट्स ट्रू सो so बिजनेस जब कोई औरत बोलती तो मैं मैं अपनी बाहर को कह रही थी ऐसा करो तुम मुझे कोई बिजनेस बिजनेस में बता <laughs> yeah. yeah, दो <laughs> का मतलब यही होता है कि आपने इन्वेस्ट किया <laughs> ये तो बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ये तो हाँ, बहुत जी. ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है हमें कोई कोई फ्रेंचाइज नहीं बाय करनी कहीं पर हमें जाकर अपना ऑफिस नहीं बनाना कहीं रेंटल नहीं हमें देना राइट सब कुछ हमारे घर में है जो हमारे पास लैपटॉप हम फोन ऑलवेज अवेलेबल हो एग्जैक्टली exactly, जिसको हम फजूलियात में यूज कर रहे होते हैं देखिये हम हमारा हाँ वाईफाई और इंटरनेट जो हमारे फोन का है हाँ जिसका हम पे कर रहे होते हैं ना वो हाँ उस चीज को ये लोग काउंट नहीं करते हाँ जी तो ये एक माइंड सेट है कि इसको नासमझी बोलते हैं कि आप सारी चीजों को पहले काउंट करें कि आप एवरी डे आपने जो सेल फोन अपने पास रखा है उन औरतों हाँ ने रखा है ना चाहे हाँ उनके हस्बैंड के पास पैसे हैं या नहीं है रखा है ना उसमें वाईफाई भी चलता है उसमें इंटरनेट डेटा भी है राइट उसका मंथली पे करते हैं राइट Yeah. वो क्यों करते हैं क्या, क्या करते हैं उस फोन से वो लोग क्या करते हैं सिर्फ फेसबुक नहीं फेसबुक पे स्लाइड करते रहते हैं सबके एडवर्टाइजमेंट्स देखते रहते हैं औरतें हाँ बिजनेस हाँ कर रही हैं औरतें बिजनेस ऑफर कर रही हैं दैट्स व्हाट दे आर डूइंग राइट सो दे आर वेस्टिंग दियर मनी जो मंथली हाँ पे कर रहे हैं ये लोग हाँ क्योंकि जब आपको पूरा साल हो जाता है तो आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड या एज ए बिजनेस ओनर आप एंड में ये सारी चीजें टैक्स uh, में आप काउंट कर सकते हाँ हाँ हैं क्या आपका फोन यूज हुआ आपका ये हुआ ये हुआ हाँ जी। ये नॉलेज नहीं है इन लोगों को या फिर नॉलेज नहीं है या फिर उन्होंने खुद अपने आप से आंखें बंद की हुई है या फिर ना समझ है आई नो वॉट इज दैट Hanji. But if they want to do they want to do something, that's why they contact us, right? Hanji. So they contact too many people. Hanji. In the world, digital yeah. business, they're wasting their own time. That's they need true. to take notes and make up their mind and start. That's all. Handy. That's true. या yeah, क्योंकि आई थिंक ये बिजनेस जो घर बैठी मदर्स हैं उनके लिए तो ब्लेसिंग है क्योंकि घर हम बैठे हैं बच्चे जब स्कूल चले जाते इतना टाइम है हमारे पास uh, मेरे ख्याल में तो रमन जो लोग फुल टाइम जॉब कर रहे हैं ना वो भी दे आर डूइंग वेरी गुड हां जी वो भी यार हाँ oh, sure, yeah. क्योंकि इतना टाइम नहीं चाहिए नहीं या यू नो हमारे पास सबके पास इतना टाइम होता है कि हम बैठे-बैठे स्लाइड कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे हां जी यू नो सबके पास होता है मेरे ख्याल में तो देखें जितनी फुल टाइम आ, काम करने वाली औरतें वो खाना भी पकाती हैं बच्चों का भी टेक केयर करती हैं फैमिलीज के साथ भी हैंग आउट करती हैं तो जी. वो टाइम को मैनेज करती हैं तभी तो कर सकती हैं राइट ट्रू या सो आई थिंक एवरी वन कैन डू देट बल्कि मैंने अभी पिछले आ, पिछली दफा अपने पेज पर जो है वो डॉक्टर साहब के साथ मैंने इंटरव्यू किया था आई डोंट नो यू नॉट

हाँ जी। तो अब आपको इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या चाहिए you know, आपकी कोई एज हो आपका कोई प्रोफेशन हो यू हाँ नो uh, you know, ये तो ये और फिर ट्रेनिंग पूरी साथ मिलती है विच इज स्टेप बाय स्टेप तो ऐसा नहीं है कि कोई कोई भी एज का बंदा हो किसी भी करियर से ताल्लुक रखता हो दिस इज दिस इज अ वेरी ऑसम ऑसम प्लेटफॉर्म मैं तो यही कहूंगी हाँ जी जो से आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा ना बड़ा अच्छा लगा आप Thank कोई मेरे फॉलोअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अभी बैठे हैं सोच रहे हैं बस आ, को, आ, कोई डिसीजन नहीं ले रहे और जिनने लिया भी है स्टिल अभी वेट ऑन है कि हम आगे yeah. बढ़े इन्वेस्टमेंट करें या ना करें उनके लिए कोई आपका मैसेज मेरा मैसेज यही है कि देखें इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो आ, डिजिटल बिजनेस एनी बिजनेस kind of ये वाला हाँ। हो या कोई और हो या कुछ भी हो उन लोगों हाँ के लिए मेरा मैसेज यही है कि इस वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी और जो है वो डिजिटल बिजनेसेस बूम कर रहे हैं हाँ जी uh, मैं दो तीन दिन पहले कोई रिसर्च कोई आर्टिकल पढ़ रही थी कि ट्वेंटी 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 नाइनटीन जब पेंडेमिक आया हाँ जी। उस वक्त जो है वो फिफ्टीन परसेंट पे उसका रेशो था हाँ कि लोग जो है वो डिजिटल बिजनेस कर रहे थे एनी काइंड ऑफ बिजनेस बट डिजिटल ऑन सोशल मीडिया आफ्टर टू थाउजेंड नाइनटीन 2020 तक क्योंकि जिनके बिजनेसिस जो मैन्युअल हो रहे थे ना जैसे सलॉन है, हाँ है या केटरिंग है या रेस्टोरेंट है या डे केयर है तो वो पेंडेमिक की वजह से बंद हो गए हाँ जी तो उन्होंने अपने घरों से करना शुरू किया तो घरों से उन्होंने किस तरह अप्रोच किया कस्टमर्स को हाँ जी डिजिटल डिजिटल और सोशल मीडिया राइट और उसके बाद ही तो फेसबुक और इंस्टा और व्हाट्सएप जो है वो बिजनेस अकाउंट ट्रू सो दिस इज द राइट टाइम डू नॉट थिंक टू मच बहुत ज्यादा सोचने से इंसान अपॉरचुनिटीज खो देता है और अपनी जिंदगी का वक्त बर्बाद करता है तो सब लोगों के लिए सब लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि बहुत ज्यादा सोचना इंसान को वीक कर देता है बहुत ज्यादा फियर के थ्रू जाना इंसान को वीक कर देता है और आप जब इधर तक आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ करना चाहते हैं दैट्स वाई यू फाउंड दिस ऑपरचुनिटी हाँ जी। ये रियल है ये झूठ नहीं है ये रियल है ये कोई स्कैम नहीं है हम सारे रियल लोग हैं जो कर रहे हैं हाँ और आप लोग जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो बिजनेस होता ही इन्वेस्टमेंट से है हाँ जी तो आप स्टेप लें जो रमन के साथ हैं आप लोग इनको ट्रस्ट करें और मेंटोर और कोचेस आपको इनके साथ मिलेंगे जो भी इनकी इनके साथ होंगे जुड़े हुए एंड डू नॉट वरी कि आप कैसे करेंगे आप सक्सेसफुल हाँ होंगे आपको पूरा सिस्टम मिलेगा आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी दैट इज माय एडवाइस और इसको आप लोग इस्तेमाल करें इनशाला खुश होंगे जी थैंक थैंक यू यू आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया होपफुली जो लोग हमें देखेंगे उनको थोड़ा सा जो भी उनके मन में डर होगा थोड़ा निकलेगा बिजनेस में आगे स्टेप्स लेंगे आपके साथ बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स थैंक यू वेरी मच थैंक यू रमन आपने मुझे बुलाया आई हैव सो मच गुड टाइम मैं तो बड़ा मजा आया मुझे थैंक यू सेम हियर आई नो क्योंकि हमारा आई थिंक अब तक का बहुत इंफॉर्मेशनल सेशन रहा है ये मोस्ट ऑफ आई थिंक लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स उन्हें मिल जाएंगे होपफुली आगे वो अपना डिसीजन लेंगे हम तो वैसे कर ही रहे हैं अपना बिजनेस अपने हिसाब से हम तो किसी को जाकर फोर्स नहीं करेंगे सिर्फ नहीं। उनका माइंडसेट है उनका लॉस है अगर वो अभी वेट कर रहे हैं तो वो उनका टाइम है क्योंकि जब तक हमारी जर्नी तो बहुत आगे जा चुकी होगी राइट वो वेट कर रहे हैं तो वो मैंने अभी पिछले छह सात महीनों में देखा है कि इस बिजनेस में थाउजेंड पीपल आए हैं मतलब every हाँ month, every month इतने लोग जिनको हाँ मैं तो सिर्फ अमेरिका और कैनेडा को वॉच करती हूँ इतना ज्यादा वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज को वॉच नहीं करती बैन एवर आई गो टू दिन आई से लोग एवरी मंथ एवरी मंथ Yeah. तो इतने सारे लोग पागल तो नहीं है मेरा ख्याल में या <laughs> yeah, वो ये क्योंकि हमारा माइंड सेट ही जब हम बना लेते हैं हमें पता है कि हमने अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है अपने लिए कुछ करना है राइट तो जस्ट टेक योर डिसीजन राइट अदरवाइज जब, just... जब चेक आने लगता है ना व्यूअर्स सुन लीजिए जब चेक आने लगता है ना तब आपको समझ आता है कि वाकई आपने जो है कुछ कमाल किया है एंड देन यू टेल अदर पीपल के ओ जी जी आइए इसमें कर हम घर में उसके कुछ करते है। तो वही हाँ। सुनना कि सारा दिन घर में रहते करते क्या हो रही <laughs> तो जब वो आता है तब तो पता चलता है कि हाँ घर संभालने के साथ साथ बिजनेस भी कर रहे हैं राइट फीलिंग बहुत अच्छी होती है सीखते It's बहुत कुछ है आप बहुत कुछ सीखते हैं मैं कह रही हूँ ना अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ था जो मेरी बिजनेस पार्टनर है जब उन्होंने मुझे खुद अपने आप से ये बात कही हाँ जी। फोन पे तो मुझे ऐसा लगा कि ओ लोग लोग अब जो लो नहीं करते उनका हाथ पकड़ के तो हम नहीं करा सकते है उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं बताइए थैंक यू थैंक यू जतें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर आपने किए यानी okay, yeah, <laughs> yeah, आपसे बात कर बड़ा अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच इनशाला आगे जाकर आपसे फिर बात होगी फिर कभी बातचीत करेंगे yeah,